सब्सक्राइब कीजिए DIY विथ मीनू सिंह को, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स, मैं मीनू आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको रसम पाउडर बनाना बताऊंगी। इससे तो रसम बनेंगे ही काफी टेस्टी। फ्रेंड्स, इसे सब्जी भी, कोई ग्रेवी वाली सब्जी में भी डालेंगे तो काफी टेस्टी और अच्छी बनेगी। फ्रेंड्स, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फीडबैक मुझे ज़रूर बताइए कैसा बना, कैसा लगा। रसम बनाने के लिए हमने ये खड़ा धनिया लिया है, इसे मैंने साफ कर लिया। खड़ा धनिया है ये उड़द दाल है, इसे मैंने 2 चम्मच उड़द दाल लिया है, 1 कटोरी खड़ा धनिया, 2 चम्मच उड़द दाल, 8 से 10 ये सूखी लाल मिर्च, ये 2 चम्मच हमने जीरा लिया है, 1/2 चम्मच हमने मेथी लिया है, 1/4 चम्मच से कम हमने हींग लिया है, ये 1/2 चम्मच हमने राई लिया है और ये कुछ करी लीव्स लिए हैं, और हमने ये ऑयल लिया है। इसे पैन गरम होने रख दिया हमने, ऑयल डालकर, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, बस थोड़ा ऑयल डाल के इसमें धनिया को मैं रोस्ट करूँगी। धनिया को हल्का सा खुशबू आने तक रोस्ट करना है, मीडियम फ्लेम पे ही रोस्ट करना है, हाई फ्लेम में जल जाएगा ये अच्छे से। अब मैं इसमें ये जीरा ऐड करूंगी, इसे भी भून लेती हूँ। इसी ऑयल में जीरा को भी भून लेना है। इन सबको ज्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा। ये भून गया, इसमें क्रैकल होने की आवाज भी आने लगी। अब मैं इसे पलट लेती हूँ। इसे निकाल लेती हूँ। इसी में मैं मूंग दाल को भी भूनूंगी, इसे हल्का सा ब्राउन करना है। ये काफी टेस्टी बनता है और ये साउथ का फेमस डिश है रसम। इसे लोग एपेटाइजर के तरह, या बहुत अच्छा लगता है खाने में और बनाना भी इजी है। फ्रेंड, इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है और ये सब भून जाने के बाद इसको ग्राइंड कर लूंगी। ये जब हल्का ब्राउन हो जाएगा, सारे मसालों को एक एक करके ऐसे ही भूनना है। अच्छा से भून गया ये। अब मैं इसे पलट लेती हूँ। अच्छा ब्राउन कलर आ गया है, ज्यादा भूनने पे ये दाल जला हुआ लगेगा। और अब मैं इसी में राई को ही भून लेती हूँ। ये राई को भी बस जस्ट हल्का सा इसमें क्रैकल होने तक, ऑयल की जरूरत नहीं है फ्रेंड, ऑयल काफी है इतना भूनने के लिए। इसमें मेथी सीड ऐड करूंगी, इसे भी साथ में भून लेती हूँ।
मेथी सीड को भी ज्यादा नहीं भूनना है। इसे भी पलट लेती हूँ। भून गया ये। अब मैं इसमें कड़ी लीफ को भूनूंगी। कड़ी लीफ भी मीडियम फ्लेम पे हल्का सा रोस्ट करना है ताकि इसका थोड़ा कच्चापन खत्म हो जाए। ये अच्छे से रोस्ट हो गया। ये भून गया फ्रेंड अच्छा से। अब मैं इसमें ये सूखी लाल मिर्च ऐड करूंगी। इसे भी भून लेती हूँ। इसे भी ज्यादा नहीं हल्का भूनना है ताकि ये क्रिस्प होकर अच्छे से पाउडर बन सके। इन सबको मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है। गैस बंद कर देती हूँ। हमारे सारे मसाले अच्छे से भून गए हैं और इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देती हूँ। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा फिर मैं इसमें इसको ग्राइंड करूँगी। अब मैं इसमें जो हींग पाउडर लिया था हमने, हींग को उसे ऐड करती हूँ और ठंडा होने देती हूँ ऐसे ही। जब ये पूरी तरह नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा फिर मैं इसे ग्राइंड करूंगी और हमारा रसम पाउडर तैयार हो जाएगा। ये ठंडा हो गया और मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। इसे बारीक मैं पीस लेती हूँ। ये ठंडा हो गया और मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। इसे बारीक मैं पीस लेती हूँ। ये काफी अच्छा बारीक पीस गया है। देखिए काफी अच्छे से तैयार हो गया ये रसम पाउडर। बहुत बढ़िया बना है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे। फ्रेंड्स इसे आप एक साल तक आराम से यूज कर सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में रखिए और आराम से इसे यूज कीजिए। काफी टेस्टी बनेगा और काफी अच्छा है। फ्रेंड्स इस रसम पाउडर को आप कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी में यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने पॉट से निकाल लिया है और काफी अच्छी बनी है। ये खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। इसे आप सब्जी में भी यूज करेंगे तो काफी टेस्टी लगेगा और रसम बनाएंगे तो उसकी बात ही कुछ और हो जाएगी।